ईरान द्वारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में किए गए हवाई हमले के बाद पाक द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान वायुसेना ने ईरान के अंदर बलूच अलगाववादी शिविरों पर हवाई हमले किए हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक्स हैंडल पर इस हमले को लेकर जानकारी साझा की गई, जिसमें लिखा था, आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ अत्यधिक समन्वित और विशेष रूप से लक्षित सटीक सैन्य हमले शुरू किए। खुफिया आधारित ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर के दौरान कई आतंकवादी मारे गए। वहीं एनवाई टाइम्स के पाकिस्तान संवाददाता सलमान मसूद ने भी अपने एक्स हैंडल पर इस हमले को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, ब्रेकिंग, पाकिस्तान वायुसेना ने ईरान के अंदर बलूच अलगाववादी शिविरों पर हवाई हमले किए हैं। ये कदम ईरान द्वारा पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों को निशाना बनाने के दावे के एक दिन बाद आया है, जिसे पाकिस्तान ने नागरिक हताहतों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के मुख्यालय पर हमला किया था, जिसको लेकर पाकिस्तान ने दावा किया कि ईरान के हवाई हमलों में दो बच्चों की जान चली गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही पाकिस्तान ने इस हवाई हमले को हवाई क्षेत्र का अकारण उल्लंघन करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की। हालांकि भारत ने संघर्ष में अपना रुख साफ करते हुए ईरान के समर्थन में बयान दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ये ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला है। जहां तक भारत का सवाल है, आतंकवाद के प्रति हमारा रुख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। हम उन कार्रवाइयों को समझते हैं जो देश अपनी आत्मरक्षा में करते हैं।